ठीक है। तो यूनिट नंबर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड द टेक्निक का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट IUPAC नेम। तो करेक्ट IUPAC नेम पहला है कि 3-ethyl-4,4-dimethylheptane। IUPAC नेम लिखने का तरीका ये है कि पहले तो उसमें जो सब्सटीट्यूएंट लगे हुए हैं उसको अल्फाबेटिकल आर्डर में लिखना है, ठीक है, उसको अल्फाबेटिकल आर्डर में लिखना है। और एक बात, दूसरी बात कि इसमें जो मोनो डाई ट्राई टेट्रा, मोनो तो होता नहीं है, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ये सब जो है अल्फा कंसिडर नहीं किए जाते हैं, प्रीफिक्स के रूप में लोग कंसिडर नहीं किए जाते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। तो अब इसका पहले का नाम लिखते हैं, पहला वाला ही सही है। इसको देखते हो कैसे हेप्टोन बनता है, 7 कार्बन का हेप्टेन हो जाएगा, 3, 3, 6, 1, 7। तीसरे कार्बन पर इथाइल लगाना है और चौथे कार्बन पर डोमिथाइल लगाना है। ये हो गया 3-3-4-4-dimethylheptane। तो पहले का पहला सही है, बाकी तीनों गलत हैं। दूसरा वाला ऑप्शन इसलिए गलत है, सेकंड ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि 4-4-dimethyl ये हम पहले लिख दिए हैं, ई बाद में लिखे, जबकि ई को पहले लिखना था और एम को बाद में लिखना था, ठीक है, ये चीज़ इसलिए गलत हो गया। इसमें क्या गलत है, इसमें जो लोअर लोकेंट गलत है, लोअर लोकेंट नहीं आ रही है, ओके, तो इसलिए भी गलत है और ये वाला भी गलत है। तो पहले का फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2, द IUPAC नेम फॉर द CH3CO CH2CH2COOH। इसमें हमको क्या देखना है, इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर देखना है, पहली बात तो प्रायोरिटी ऑर्डर। तो प्रायोरिटी ऑर्डर अगर हम फंक्शनल ग्रुप का देखेंगे तो इसमें एक फंक्शनल ग्रुप तो कार्बोक्जिलिक एसिड लगा है और दूसरा फंक्शनल ग्रुप कीटोन लगा है। तो पहले जो है प्रायोरिटी कार्बोक्जिलिक एसिड को दी जाती है, उसके बाद कीटोन को दी जाती है। तो हम नेमिंग कहाँ से शुरू करेंगे, नेमिंग शुरू करेंगे कार्बोक्जिलिक एसिड से, मतलब कार्बोक्जिलिक एसिड ग्रुप से, ठीक है। तो पहला नंबरिंग इसको देंगे, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फोर, देन फाइव। इसका नाम हो जाएगा क्या, 5-ऑक्सो है तो 5-ऑक्सो, 5 कार्बन का है तो पेंट, पेंटेनोइक एसिड, और कार्बोक्जिलिक एसिड लोइक एसिड लिखा जाता है, तो हो जाएगा किस कौन सा ऑप्शन है, 5-ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। तो दूसरे का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, 5-ऑक्सोपेंटेनोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि द IUPAC नेम फॉर दिस कंपाउंड, जो कंपाउंड नीचे दे रखा है बेंजीन रिंग है, उसमें 3 सब्सटेंस लगे हैं, एक क्लोरीन, दूसरा NO2, तीसरा CH3। इसका हमको IUPAC नाम लिखना है, ठीक है। तो ठीक है, नंबरिंग करते हैं पहले, इसको कहाँ से करें नंबरिंग, चलो क्लोरीन से शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो रहेगा ही। अब देखो 1 क्लोरो, अब यही इसमें यही देखना है कि अल्फाबेटिकल आर्डर देखना, ठीक है। तो 1 क्लोरो, क्लोरो में सी पहले, नाइट्रो में एन, दूसरे नंबर पे नाइट्रो, तीसरे नंबर पे मिथाइल आ रहा है, ठीक है, तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, मिथाइल आ रहा है, तो तीसरे नंबर पे नहीं आ रहा, सॉरी चौथे नंबर पर मिथाइल आ रहा है, ठीक है, चौथे नंबर पर मिथाइल आ रहा है। तो लेकिन मिथाइल पहले आता है अल्फाबेटिकल आर्डर के, देखो तो एम पहले आता है अल्फाबेटिकल आर्डर के हिसाब से और एन बाद में आता है, तो 4-मिथाइल पहले लिखा जाएगा और नाइट्रो बाद में लिखा जाएगा। तो इसका करेक्ट IUPAC नाम ऐसे लिखेंगे कि 1 क्लोरो, उसके बाद 2 नाइट्रो नहीं लिखा जाएगा, 2 नाइट्रो इसलिए नहीं लिखा जाएगा क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से एम पहले आता है, एन बाद में आता है, इसलिए एम पहले लिखा जाएगा, यानी 4-मिथाइल देन 2 नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। क्यों मिथाइल पहले लिखा और नाइट्रो को बाद में लिखा, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से एम पहले, एम अक्षर पहले आता है और एन बाद में आता है, ओके, इसलिए नेमिंग तो जब पता है ऐसे कि नहीं 3-4, ओके। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 1 क्लोरो 2 नाइट्रो, नहीं ये तो 2 नाइट्रो नहीं होगा, पहले एम पहले आएगा एन बाद में जाएगा, ठीक है, ये तो गलत हो गया, 1 क्लोरो 4-मिथाइल 2 नाइट्रो बेंजीन, सेकंड सही है, तीसरे का सेकंड सही हो जाएगा, 1 क्लोरो 4-मिथाइल 2 नाइट्रो बेंजीन। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रखा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द कार्बन एटम डिपेंड अपॉन देयर स्टेट ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द कार्बन मार्क्ड विद द एस्टेरिस्क इज ए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब जो तारांकित है, जो स्टार से मार्क हुए हैं कार्बन, उन कार्बनों में बताना है कि चारों में से कौन सा स्टार्ड कार्बन में से कौन सा कार्बन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, चलो ठीक है, बता चेक करते हैं। पहली बात तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस ऑप्शन के हिसाब से लग रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालना ही है, बताना ही है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज ऑफ यस करेक्टर, परसेंटेज ऑफ द यस करेक्टर, जिसमें जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ यस करेक्टर रहेगा वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा, ठीक है। जैसे sp2 और sp3, तीन की बात करनी है, sp में परसेंटेज ऑफ यस करेक्टर 50% होता है, sp2 में 33% होता है और sp3 में जो है 3-4 25% होता है,
परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, तो देख लो आप किस में क्या आएगा, ठीक है। 50% एस करेक्टर एस पी में होता है, तो ओके देखो जिसमें एस पी आएगा वही सबसे ज़्यादा मोस्टली एक्टिविटी होगा। इस वाले कार्बन में तो एस पी थ्री आ रहा है, तो इस एस पी थ्री परसेंट ऑफ एस करेक्टर तो सिर्फ 25% आएगा इसमें, तो ये तो और चेक कर लेते हैं, इतना इलेक्ट्रोनिगेटिव तो नहीं होने वाला क्योंकि डबल बॉन्ड नीचे दिख रहा है। तो इस वाले कार्बन को जो अगर चेक करेंगे, ये जो स्टार लगा हुआ है, तो इस वाले कार्बन का एक दो तीन तीन सिग्मा बॉन्ड है, यानी एस पी टू आ जाएगा। इसमें कितना परसेंट एस करेक्टर आ जाएगा, 33% एस करेक्टर आ जाएगा, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड भी दिख रहा है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड इस वाले में सबसे मैक्सिमम परसेंट ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये वाला नहीं स्टार तो ये वाला है ना लास्ट, ये वाला कार्बन स्टार है। इस वाले में क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगा एस पी, और जो है परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर कितना आएगा, 50%। और जब सबसे ज़्यादा इसी में आ रहा है और यही सबसे ज़्यादा परसेंट ऑफ एस करेक्टर सबसे ज़्यादा इसी में, तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव यही वाला होगा, यानी चौथे का थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है। डी वाले में फिर वही दोबारा एस पी टू आएगा, एक दो दो एक तीन एस पी टू ही आएगा, इसमें भी 33% ही आएगा, तो उतना नहीं होगा, सबसे ज़्यादा थर्ड वाला हो जाएगा। थर्ड वाले ऑप्शन का जो स्टार्ट कार्बन है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इन विच आर द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप आइसोमर जो इज नॉट पॉसिबल, मतलब इन चारों में से कौन सा ऐसा ग्रुप है जो फंक्शनल आइसोमर नहीं शो करेगा, ठीक है। एल्कोहल तो फंक्शनल आइसोमर शो करेगा, ठीक है, एल्कोहल ईथर के साथ शो करेगा, जैसे मान लो कि आर ओ एच आर, ठीक है, कोई कैसे 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 दो दो आर ले लो, जैसे मान लो सी एच थ्री सी एच टू ओ एच है, ठीक है, इथेनॉल है, तो इसका जो फंक्शनल आइसोमर होगा सी एच थ्री ओ सी एच थ्री हो जाएगा, ठीक है। एल्कोहल और ईथर फंक्शनल आइसोमर शो करेंगे, एल्डिहाइड करेगा किसके साथ, एल्डिहाइड कीटोन के साथ करेगा, ठीक है, जैसे सी एच थ्री सी एच टू है, सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू है, तो ये एल्डिहाइड कीटोन के साथ करता है, और साइनाइड आइसोसाइनाइड के साथ करता है फंक्शनल आइसोमर। लेकिन एल्किल हैलाइड जो होता है आर ई एक्स, ये किसी के नहीं साथ शो करेगा, ये फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल आइसोमर शो नहीं करेगा। तो पाँचवें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पाँचवें का थर्ड सही हो जाएगा, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड फंक्शनल आइसोमर शो नहीं करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा है बस, लेकिन कुछ नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6वां, द फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्लावर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सम स्टीम वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड द एसेंशियल ऑयल। जो फूल होते हैं, फूल में जो फ्रेग्रेंस होता है वो कुछ स्टीम वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जिनकी वजह से फ्लावर में फ्रेग्रेंस होता है, और वो होते हैं क्या, स्टीम वोलाटाइल कंपाउंड, वो एसेंशियल ऑयल होते हैं, ठीक है, ये बता रखा है। फिर बताया है कि दीज आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, और ये क्या होते हैं, जनरली वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में इमिसिबल होते हैं, ठीक है, एट द रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे, लेकिन रूम टेम्परेचर पे, बट ये वाटर में मिसिबल होते हैं कब, वाटर बट आर मिसिबल विथ अ वाटर वेपर, ये वाटर वेपर के साथ मिसिबल होते हैं इन वेपर फेज में, वेपर फेज में ये जो एसेंशियल ऑयल हैं वाटर में मिसिबल हो जाते हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर पे वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं। तो ये सूटेबल मेथड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ दीज ऑयल, जो फ्लावर में एसेंशियल ऑयल है इसको एक्सट्रैक्ट करना है, तो सबसे बेस्ट सूटेबल मेथड कौन सा होगा इसे फ्लावर में से इस एसेंशियल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। तो देखो एक मिनट ओके, अब द फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्लावर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सम क्या हो गया, ठीक है, सही है ना। तो हमको एक्सट्रैक्शन करना है, कौन सा सूटेबल मेथड होता है जो कि हम फ्लावर में से एसेंशियल ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर सकें, तो ठीक है, डिस्टिलेशन। पहले बात तो डिस्टिलेशन क्या होता है, पहले डिस्टिलेशन देख लेते हैं। डिस्टिलेशन दिया, क्रिस्टलाइजेशन दिया है, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर दिया है, और स्टीम डिस्टिलेशन दिया है, चार ऑप्शन दे रखा है। तो इसमें से सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होगा, तो डिस्टिलेशन में क्या करते हैं, डिस्टिलेशन में हम सेपरेट करते हैं वोलाटाइल लिक्विड को नॉन वोलाटाइल से, वोलाटाइल लिक्विड फ्रॉम नॉन वोलाटाइल इम्प्यूरिटी से सेपरेट करते हैं, ठीक है, एक चीज़। और या तो और जो लिक्विड को वोलाटाइल लिक्विड को हम सेपरेट करते हैं नॉन वोलाटाइल इम्प्यूरिटी से, उसमें बॉइलिंग पॉइंट की सफिशियंट बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है, मतलब उसके बॉइलिंग पॉइंट में सफिशियंट डिफरेंस होता है। तो इसमें तो हमको लिक्विड को डिफरेंट सेपरेट करना नहीं है, इसमें हमको क्या करना है, सेपरेट एसेंशियल ऑयल को सेपरेट करना है, ठीक है, तो डिस्टिलेशन होगा नहीं। क्रिस्टलाइजेशन में तो हम डिफरेंशियल सॉल्युबिलिटी के बेस पे डिफरेंशियल सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे इम्प्यूरिटी को रिमूव करते हैं, ठीक है, ये भी नहीं होगा, क्रिस्टलाइजेशन भी नहीं होगा इसमें। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर,
इसका यूज हम लिक्विड को प्योरीफाई करने के लिए करते हैं, ये भी नहीं होगा लिक्विड को प्योरीफाई यहाँ करना नहीं है। और जो स्टीम डिस्टिलेशन होता है इसका यूज हम करते हैं अगर कोई स्टीम वोलेटाइल सब्सटेंस है और जो कि वाटर में इमिसिबल है, वाटर में इमिसिबल है तो उसके लिए स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं। ये भी वही चीज़ है, देखो लिखा है ना वो इनसॉल्युबल इन द वाटर मतलब इमिसिबल इन वाटर, और कैसा है वोलेटाइल है। तो इसके लिए बेस्ट बैठा हो जाएगा स्टीम डिस्टिलेशन ही, स्टीम डिस्टिलेशन हो जाएगा तो छठवें का फोर सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी है वही बस थियोरेटिकल टाइप थोड़ा दे दिया, ऐड कर दिया स्टेटमेंट को, थोड़ा लंबा चौड़ा हिंट दिया बस। ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ द कोर्ट केस द जज सस्पेक्टेड द सम चेंज इन द डॉक्यूमेंट हैड बीन कैरी आउट, ही ऑस्ट द फॉरेंसिक डिपार्टमेंट टू चेक द इंक यूज एट टू डिफरेंट प्लेसेस अकॉर्डिंग टू यू विच टेक्निक कैन गिवेन द बेस्ट रिजल्ट। तो कौन सी टेक्निक होगी, मान लो कि कोई जज को सस्पेक्ट हो रहा है कि उसके डॉक्यूमेंट में दो इंक यूज की गई मतलब दो पेन की यूज किया गया है, ठीक है, तो उसको अगर पता करना है तो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट जब पता करने आएगा तो कौन सी मेथड से वो पता करेगा, तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से वो पता करेगा, ये इसमें थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का वो यूज करेगा। तो 7वें का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी मेथड का यूज करेगा, हो जाता है। ओके, 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी के में कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व है, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी एक पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का टाइप है जो कि इसी डिफरेंशियल पार्टीशनिंग ऑफ कंपोनेंट के बेसिस पे पेपर क्रोमेटोग्राफी किया जाता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, पार्टीशन, ठीक है, पार्टीशन। और इसमें जो मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज होता है दोनों लिक्विड ही होता है, मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज दोनों लिक्विड लिक्विड होता है, ठीक है, पहले पूछा नहीं है, सीधा सीधा प्रिंसिपल पूछा था, तो 8वें का सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है कि व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कैटायन। एक कैटायन दे रखे हैं 3, एक 2 डिग्री कैटायन है, ये भी कैटायन है, ये भी, तीनों कैटायन दे रखा है, इसमें बताना है कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ठीक है, चलो ठीक है, देखो स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन यानी पॉजिटिव चार्ज इस पे हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द माइनस आई। प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला, ठीक है, तो देख लेते हैं। देखो इसमें दो प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं, दो प्लस आई ग्रुप लगे हैं, सी एस थ्री प्लस आई ग्रुप है, तो ये दो प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे, तो इस पे जो बीच वाले कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव का चार्ज थोड़ा कम होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहा है इस कार्बन पे बीच वाले कार्बन पे, तो पॉजिटिव को रिड्यूस करेगा, थोड़ा कम करेगा, ठीक है। सेकेंड वाले केस में क्या है, एक तो प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन को देगा, और जो ओ सी एस थ्री है ओ सी एस थ्री है, वो क्या है, ओ सी एस थ्री माइनस आई ओ सी एस थ्री, ओके, बट यहाँ पे देखो प्लस और प्लस चार्ज है कार्बन पे और यहाँ पे लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, 2, 2, 4 कितना लोन पेयर हो जाएंगे, 2, 2, 4, 4, 4, 2, 6, हाँ 2 लोन पेयर रहेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड लोन पेयर का क्या है, कॉन्जुगेशन है, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड लोन पेयर का मतलब पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर का कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन तो रेजोनेंस शो कर देगा, तो रेजोनेंस प्रोमिनेंट और डोमिनेंट होता है तो सब ज़्यादा स्टेबल रेजोनेंस शो करने वाला हो जाएगा, तो सब ज़्यादा स्टेबल तो रेजोनेंस शो करने वाला हो गया, उसके बाद प्लस आई इफेक्ट वाला हो जाएगा, ठीक है, और ये देखो माइनस आई इफेक्ट इसमें लग रहा है, माइनस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये एक तो प्लस आई है एक माइनस आई है, एक तो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा कार्बोकैटायन के, प्लस आई स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा कार्बोकैटायन के, लेकिन माइनस आई स्टेबिलिटी को घटाएगा, ठीक है, तो कम से कम इसमें तो दो प्लस आई हैं, ये दोनों स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे कार्बोकैटायन के, इसमें एक प्लस आई एक माइनस आई बराबर कर दे रहा, तो और रेजोनेंस इसमें तो सब ज़्यादा स्टेबल रेजोनेंस वाला हो जाएगा, यानी सब ज़्यादा स्टेबल सेकेंड देन फर्स्ट, और सबसे बेकार है स्टेबिलिटी किसमें किसके अंदर हो जाएगी, थर्ड वाले के अंदर, कोई ऑप्शन है सेकेंड फर्स्ट थर्ड, हाँ पहला ही, तो 9 का ए सही हो जाएगा, 9 का ए सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, और अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टेबिलिटी पता करना है, मान लो मिक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो पहले उसको एरोमेटिसिटी देखी जाती है, फिर उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखा जाता है, जितना ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, एरोमेटिक है तो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, फिर हाइपर कंजुगेशन देख लिया जाता है, हाइपर कंजुगेशन जिसमें
इंडक्टिव इफेक्ट देखा जाएगा, ठीक है, तो ये सब देखा जाता है। और अगर सेम रेजोनेंस है, ये याद रखना चाहिए, अगर से मतलब सेम कंपाउंड है, कंपाउंड सेम है बस उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो उसमें हम पहले कोवेलेंट बांड गिनेंगे, कोवेलेंट बांड जिसमें सबसे ज़्यादा कोवेलेंट बांड होगा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर न्यूट्रलिटी देखेंगे, ठीक है, उसके बाद क्या देखेंगे, पोलरिटी, ठीक है, उसके बाद डाटा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव होना चाहिए और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव होना चाहिए, तो ज़्यादा स्टेबल होगा। ये आर्डर होता है, फिलहाल इसको जाने दो, आएगा नहीं, ये वैसे साइड हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, दो बार करना पड़ेगा, ठीक है, इसका कितना क्वेश्चन है अभी, ठीक है 10 करते हैं, 10 11 12 13 14, नहीं नहीं दो पार्ट में करना ही पड़ेगा, 10 के बाद चलो सेकंड पार्ट में करते हैं, 10 क्वेश्चन 10 से।